नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर है एट पीसीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लुधियाना पंजाब में। भैया ने उनका फर्स्ट यूएच वर्कशॉप 2012 में किया था और फिर भैया ने 2020 में भी ऑनलाइन वर्कशॉप किया हुआ है। भैया वॉलेंटियरिंग के रूप में जो स्टूडेंट्स इंडक्शन प्रोग्राम था उसमें एफएवी के टीम में अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। और भैया के बारे में एक बात है कि हर दिन सुबह 5:30 बजे जब ये सेशन ओपन होता है तो भैया हमेशा वहाँ पे रहते हैं। सो वेरी कंसिस्टेंट अटेंडेंस है भैया का। तो भैया नमस्ते एंड ओवर टू यू। नमस्ते सभी को। अगर मैं अपनी पहली स्थिति की बात करूं तो सुख तो प्रभाव के रूप में ही था। अपने आप को शरीर मानकर सुख का स्रोत बाहर से ही किसी संवेदना या अनुकूल भाव पाकर ही था। यह तो जब मॉर्निंग सेशन में 27 अप्रैल 2021 में यह सूचना आई कि सुख तो स्वभाव है प्रभाव नहीं, तो अभ्यास एक ने स्वयं की स्वयं से मुलाकात करवाई और स्वयं से अपनी कल्पनाशीलता को देखने का अभ्यास शुरू हुआ। उसमें से भी आशा तो समझ में आती थी पर विचार और भाव पकड़ में नहीं आते थे। फिर विचारों को पकड़ना शुरू किया और अब भाव को पकड़ने का प्रयास कार्य जारी है। हर क्षण देखने की कोशिश है कि मैं और मेरा भाव के प्रति मैं सजग रहूं, तो मैं और मेरा भाव ही इस वक्त सबसे मेरा चाहता हूं कि हर पल इसके लिए सजग रहूं। पहले की स्थिति देखूं तो स्वयं में बहुत ही खलबली और अशांति थी, सदा विरोध का भाव ही रहता था, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। अपने आप को विशेष मानने का भाव, दूसरों को कम आंकने का भाव, अपने आप को अपना मूल्यांकन ज्यादा करने का हमेशा भाव, तो ये स्थिति थी। पर अब जब कल्पनाशीलता को देखने की क्षमता बढ़ रही है तो अब स्थिति यह है कि संबंध का भाव, फिर जिम्मेदारी का भाव, भागीदारी का भाव को देख पाना और इन्हीं के लिए मुझे सहज स्वीकृति भी है इसको भी देख पाना का प्रयास जारी है और इससे आराम में निरंतरता बन रही है। काफी आराम में हूँ मैं इस वक्त, मतलब रोज मैं देख पाता हूँ। इससे ये पता चलता है कि मैं ही अपने सुख दुख का जिम्मेदार हूँ, ये भी काफी अब समझ में आ रहा है। तो ये पहले 4 स्टेप मैंने वैसे तो नहीं बोले हैं, पर मतलब इस तरह से मैंने उन स्टेप्स को अलग अलग तो नहीं किया, पर मैं ये देख पाता हूँ कि जब मैं आराम में हूँ या नहीं हूँ। तो जब मैं आराम में नहीं हूँ तो फिर भाव को पकड़ने की कोशिश या विचारों से भाव तक जाना की कोशिश जारी है। तो 5वां स्टेप मुझे लगता है कि बहुत ही, जैसे हमारे अभ्यास में भी हमारे सारे रिसोर्स पर्सन भी कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो हमारे संस्कार को देख पाना भाव के पीछे वो बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कारों का परिमार्जन होना ही सबसे जरूरी है। तो मैं देख पाता हूँ कि पहले तो क्योंकि स्वयं का पता ही नहीं था तो भाव भी नहीं पता थे, तो अब पता चलता है कि जो गलतियां पहले होती थीं तो अविश्वास का भाव और अपने आप को विशेष मानने का भाव और इसी वजह से विरोध का भाव सबके लिए, चाहे वो माता जी थीं, चाहे पत्नी थीं, भाई बहन, दोनों बच्चों के लिए भी, और इवन अपने जो कॉलेज में साथी हैं उनके लिए भी। तो यह तो इसलिए वजह से जब भी पत्नी ने कोई भी, अगर घर में बात होती थी तो काम से आना, तो कोई ना कोई उन्होंने बात करनी घर के लिए या बच्चों के लिए, भी ऐसे बच्चों को
आप समझाएं तो वो ट्रिगर हो जाता था, ऐसा लगता था कि ये मुझे दुखी करना चाहती हैं, और सदा प्रतिक्रिया का ही सामना होता था, प्रतिक्रिया ही निकलती थी, और इससे हमारे संबंधों में भी काफी प्रभाव पड़ रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा था कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो यहां तक कि बस ये मानना कि ये मुझे दुखी करना चाहती है, तो इतना विरोध आ जाता था कि मैं इवन मैंने आगे भी शेयर किया है कि मैं बच्चों को मारता भी था, और फिर क्योंकि था तो गलत ही, कहीं से पता था, प्रतिक्रिया हो जाती थी, सजगता नहीं रहती थी, फिर उसके बाद गलानी में चले जाना, और कई बार तो इतनी प्रतिक्रिया हावी हो जाती थी, लगता था इस जीवन का क्या अर्थ है, तो इसको कई बार खत्म करने का भी विचार आता था। तो पर अब मैं पाता हूँ कि ये सारी अज्ञानता की वजह से प्रतिक्रिया थी, पर अब स्थिति है कि मैं देख पाता हूं कि मैं दूसरों को सुखी करना चाहता हूं और दूसरे भी मुझे सुखी करना चाहते हैं, पर हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि कहीं समझ का अभाव है, तो मेरे में भी है, उनमें भी है। तो अब इस वजह से काफी जिम्मेदारी का भाव आया है, और अपने और दूसरों के लिए भी जिम्मेदारी का भाव दिखता है कि अपने पे भी समझ, पहले अपने ही समझ पर काम करना है और फिर इसी तरह से दूसरों का भी सहयोग करना है। इसी भाव के चलते हुए मैं और मेरी पत्नी ने, उनकी माता जी जो कि मेरे ससुर जी में नहीं रहे, तो उनके बाद उनकी हालत काफी खराब हुई, तो हमने निर्णय लिया कि हम उनको लुधियाना में, वो सहारनपुर में रहते हैं, लुधियाना में इलाज के लिए लेके आएंगे, और हमने वो किया बड़ी जिम्मेदारी का भाव के साथ किया, क्योंकि पत्नी में बड़ी भावना थी कि वो अपनी माताजी की सेवा करें, तो मेरी तरफ देखती थी, तो मैं तो उस अभ्यास के चलते हुए तो मैं बड़े निर्णय बड़े आराम से ले पाया कि भाई हाँ, हम उनको लाएंगे और जिम्मेदारी से यहाँ रखेंगे, और इस वक्त वो भी, इस वक्त भी अस्पताल में है, आईसीयू में है, पर हमने तो, मैं इस अभ्यास की वजह से ही, इन भाव की वजह से ही, प्रेम का भाव जो समझने की प्रयास जारी है, तो तन मन धन से उनकी सेवा का निर्णय ले सके, और इससे सारे परिवार का ध्यान भी इस तरफ ला सके। और आज मैं देख पाता हूं कि मेरी 81 साल की माताजी भी, अगर पहले की स्थिति की बात करूं तो उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो खुश हैं, क्योंकि कहीं वो मेरे साथ रहती हैं तो उनके साथ भी प्रतिक्रिया हो जाती थी, पर अब जैसे ही ये 2-3 साल हो गए हैं मॉर्निंग सेशन के बाद, तो अभ्यास जारी है, तो उसमें मैं देख पाता हूँ कि उनके पास वो भावना पहुँच पा रही है, जैसे हम जस्टिस में कहते हैं, तो अब वो जब भी कोई फ़ोन आता है, जैसे मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में है तो चिंता करती हैं, या कोई और भी रिश्तेदार फ़ोन करता है, तो अब मैं उनकी जो शब्द मैं देखता हूँ, तो पहले वो कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पाती थी कि मैं क्या ठीक है चल रहा है, तो अब मैं देख पाता हूँ कि उनके शब्दों में ये आता है कि मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों में, और ख़ास करके ये स्वप्न तो मेरा बहुत ध्यान रखता है। तो ये पिछले 3 सालों में मैंने परिवर्तन देखा है, और तो इसी तरह से न्याय की ये प्रक्रिया जारी है, संबंध का चिंतन जारी है, पर अगर मैं इस अभ्यास एक के आखिरी स्टेप की बात करूं, तो व्यवस्था और सहसित्व के भाव को देखना अभी बाकी है, सूचना के तौर पे तो है, क्योंकि मैं इसको पढ़ाता भी हूँ इस कोर्स को, तो मैं सूचना के तौर पे तो उसको लेता हूँ, पर अभी तो संबंधों का चिंतन पे ही काम मुझे लगता है दिन रात मैं कर पा रहा हूँ, प्रयास जारी है उसके लिए, और मैं इवन मेरे कॉलेज में कुलीग्स भी कुछ सार्वजनिक रूप से अभी कहने लगे हैं कि मेरे में काफ़ी बदलाव आया है। तो ये जो हम कहते हैं न्याय, संबंधों में न्याय मैं देख पा रहा हूँ। तो अभ्यास दो की अगर बात करूँ, तो हर क्षण शरीर और स्वयं को देखना, अलग अलग देखने का प्रयास जारी है, तो इसके लिए मैं काफ़ी प्रयोग भी
किए हैं, जैसे मैंने आगे भी जिक्र किया है कि शरीर तो एक साधन है, तो इसको देखने के लिए जैसे बार बार सूचना के तौर पर आया, तो इसको हम ही स्वयं ही इसको इंस्ट्रक्शन देता है और ये फॉलो करता है। तो मैंने कॉलेज साइकिल पर जाने का 1-1.5 साल का प्रयोग किया, तो उसमें काफ़ी कामयाबी रही और मैं इसको करता रहा। व्रत रखने का प्रयोग किया और इस वक्त मैं 4 से 5 घंटे प्रतिदिन इस कोर्स को बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी ली है और उसको निभा भी पा रहा हूँ। तो मैं देख पाता हूँ कि शरीर तो साधन है, स्वयं और दूसरों, स्वयं और इसमें तो सिर्फ केवल सूचना का ही आदान प्रदान होता है और मैं सूचना को आदान प्रदान निर्णय पूर्वक करता हूँ। और फिर मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं संवेदना में ही नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाने में लगता हूँ तो मुझे फिर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि शरीर की कोई संवेदना आ रही है, तो मुझ में और शरीर में दूरी है, इससे भी मुझे ज्ञान मेरा बढ़ रहा है। तो अगर अभ्यास 2 की बात करें तो 5वां स्टेप मुझे लगता है, जैसे पहले अभ्यास में जिक्र भी होता है कि सबसे महत्वपूर्ण है, तो अपने आप में मैं देख पाता हूं कि पहले तो अपने को शरीर मानने का गहरा संस्कार था, तो शरीर की संवेदना को ही या किसी को अपने शरीर की प्रतिकूल संवेदना से घबरा जाना और बाहर से भी संवेदना आने पर, चाहे वो कोई मौसमी बदलाव हो या किसी के भाव से या किसी की बातों से, प्रतिक्रिया करना ही होता था। पर जब ये ज्ञान हुआ कि स्वयं ही हम इसको अर्थ देते हैं, मैं ही इसको अर्थ देता हूँ, तो अब प्रतिक्रिया कम हुई है। स्वयं के भाव के साथ, नो सॉरी संयम के भाव के साथ अब मैं अपने शरीर के लिए भी प्रस्तुत होता हूँ और दूसरों के लिए भी। तो इसी के कारण है, इसी संयम के भाव के साथ ही मैंने देखा है कि मेरा शरीर में अब काफ़ी बदलाव है, कि मैंने पिछले 1 साल में 1-1.5 साल में 10 किलो का मेरा भार कम हुआ है। तो इसमें भी अभ्यास 2 में भी आखिरी स्टेप पे तो अभी काफ़ी काम करना है, क्योंकि अस्तित्व का और स्पेस स्पेस में अपने आप को होने का सूचना तो अच्छी है, सूचना तो समझ में आती है और कन्विंस्ड भी है, पर देखना का काम तो अभी बहुत जारी है, क्योंकि अभी तो पहले स्टेप्स को ही देखने का और उसमें प्रयोग करने का काम चल रहा है। तो ये मैंने बड़ा मतलब संक्षेप में रखने की इसको कोशिश की है, तो जो मुझे अभी समझ में आया, तो ये भी दिखता है कि सुख स्वभाव है देखने का, ये भी प्रयास जारी है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही ये समझ में नहीं आती थी बात, तो बाहरी प्रभाव से बाहर आने के लिए मैं बता सकता हूँ कि फिर मैंने इसमें अपने आप ही, जब मैं इनको समझता चला गया तो क्या होता चला गया। तो जैसे पहले स्वाद के अभी भी है, पर उसमें शरीर की संवेदना या स्वाद से उसको सुख लेने का जो संस्कार था, जैसे उसमें नॉन वेज मेरा छूट गया, मैं बहुत ही शौकीन था, अब चाय छूट गई है 6 महीने से, अखबार भी छूटा, सुबह की सैर छूट गई, और इवन अब मीठे को जैसे मिठाई को ना खाने का भी प्रयास या प्रण प्रण मतलब समझकर संयम के भाव से उसको भी छोड़ने का मन बनाया है। और सबसे जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, मैं जब भी शेयर करता हूँ तो मुझे लगता है और कहा भी यही जाता है कि दूसरों से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने की जो आशा है, उस पर बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है, जैसे मैं और मेरा भाव, क्योंकि स्वयं ही मुझे लगता है कि सबसे उसके ऊपर काम करना और भाव के ऊपर काम करेंगे तो शरीर मैंने देख रहा हूँ कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो जहाँ तक अगर मैं कमिटमेंट की बात करूँ, तो अभी हर क्षण मैं स्वयं को स्वयं से देखने का प्रयास जारी है, इसलिए हर पल सजग रहने का भी प्रयास है। सुबह जैसे भैया ने भी बताया, सुबह के दोनों सेशन
को तो सुनना ही है, ये तो डिटर्मिनेशन पूरी है और उसको मैं कर भी पा रहा हूँ। और उसके अलावा जैसे घर में भी काफ़ी मैं प्रपोजल के रूप में बच्चों के साथ बात करने की कोशिश करता हूँ। बीवी तो क्योंकि हम दोनों, ये भी एक हुआ कि जब मैंने इसको करना शुरू किया तो पहले मैं नोट्स बनाता था, बाहर बैठा रहता था, तो बीवी को काफ़ी इसमें विरोध भी आता था कि, पर फिर मैं धीरे धीरे, मैं कब मुझे पता चला मैं किचन में आ गया और संबंध को समझा और संबंध दिखना शुरू हुआ, तो देखा कि भाई इतने सालों से वो अकेली ही किचन में चल रही हैं और मैं तो राजाओं की तरह सैर चला जाता था और फिर अपने शरीर के प्रति इतना ध्यान था और उनके शरीर को लेके भी कई बार कुछ कमेंट करना, तो वो ये कहती थी कि अगर मैं भी अपना शरीर का ध्यान रखूंगी तो आपके बच्चों को और आपकी माता जी को खाना कैसे होगा। तो मुझे नहीं पता चला कि कब मैं किचन में आ गया और फिर मैंने नोट्स भी लिखने बंद किए और मैंने भागीदारी शुरू की किचन में, तो अब वो भी सुनती हैं, तो इसी वजह से काफ़ी मतलब हमारे संबंध में मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार हुआ है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया थी दोनों तरफ से, पर सिर्फ मैंने अपने पे काम किया है और वो भी क्योंकि सुन पाती हैं तो उनको भी पता है कि प्रयास जारी है। बच्चों के प्रति अभी उतना मैं समय नहीं दे पाता हूँ, तो बच्चों के लिए अभी और काम करने की, मुझे अपने पे काम करने की ज़रूरत है। और कॉलेज में तो मैंने पहले ही बताया कि मैंने निर्णय लिया है इस बार, क्योंकि हमारे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो पहला सेशन होता है उसमें काफ़ी, हर फर्स्ट ईयर में ये कोर्स होता है, तो आपको पता ही है कि कॉलेज में ज़्यादातर जो विभाग हैं वो इसको नहीं कर पाते हैं या उनके पास, उनको अपने दूसरे कोर्सेज के लिए ही फैकल्टी का ध्यान रहता है। तो फिर मैंने ये निर्णय लिया और जिम्मेदारी ली और इस बार मैंने 24 घंटे का हफ्ते का लोड लिया, जिससे कि 4 से 5 घंटे मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, 12 सेक्शंस हैं मेरे पास इस वक्त, तो मैं 700 से 800 स्टूडेंट को पढ़ाने की पूरी प्रयास मैंने इस सेमेस्टर में पूरा किया। कल ही उनकी परसों की आखिरी क्लास थी, तो मैंने उसमें भी प्रयोग किए हैं। मैंने बच्चों को जैसे प्रोजेक्ट दिया, जैसे हमारे लुधियाना पंजाब में बहुत ज़्यादा बाहर जाने का है, तो मैं देख पाता हूँ कि मैं जैसे अस्पताल में हूँ आजकल, देखता हूँ कि बच्चों की जगह मतलब अटेंडेंट आ गए हैं उनकी केयर करने के लिए, या फिर एक बूढ़े पति में, बूढ़े दंपति हैं तो वो पति बूढ़े हैं को वो ध्यान रख रहे हैं क्योंकि बच्चा कनाडा में है, और फिर माँ बड़ी मतलब इमोशनल होती हैं और वो देखती हैं कि भाई मेरा बच्चा यहाँ नहीं है। तो ये भी मैं प्रयोग मतलब सुनता रहता हूँ, अवेयरनेस रखता हूँ। इस वजह से मैंने अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको ये दिया प्रोजेक्ट के जाके, अपने अगर आपके मोहल्ले में भी कोई अगर ओल्ड कपल है तो उनके साथ बातचीत करके उनका सारा, आप और इवन वृद्ध आश्रम में भी, तो बच्चों में काफ़ी इसका असर हुआ और मतलब देख पाता हूँ कि जो भी सिंसेरिटी से कर रहे हैं, तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि हमारी पार्टिसिपेशन और हमारा इसमें अब कमिटमेंट क्या हो गया, या अब आपने डिसाइड करना है। और मैं अपना शेयरिंग भी करता रहता हूँ, जैसे मैं मदर इन लॉ को लाने का निर्णय कोई आसान नहीं था, बट क्योंकि अभ्यास, क्योंकि प्रेम के भाव की तरफ हम चल रहे हैं, तो फिर मदर इन लॉ है, मेरी मदर है, तो मेरी बीवी को ये आशंका थी कि भाई कैसे होगा, आप तैयार हैं, तो आज की डेट में हम वो कर पा रहे हैं। तो मैं बच्चों के साथ भी, अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, जो मैं प्रयोग करता हूँ मैं उनको बताता हूँ। तो क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने सुना था सब ये, मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ सेशंस में ही सुनता हूँ, तो एक आदमी भी अपने आसपास अगर सही जीवन जीने की कोशिश करे तो बदलाव ला सकता है, और मैं देख पा रहा हूँ कि अपने परिवार में भी और अपने जो मेरा कर्मस्थल है, मेरा कॉलेज है, तो काफ़ी मैं उसमें, तो बड़ी मतलब बड़ी शांति और बड़ा आराम है, इससे मुझे पता चलता है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। पर यात्रा बहुत लंबी है, ये भी इसकी बात का भी जिक्र होता है। तो मैं अभी तो अपने आसपास का काफ़ी मैंने जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और पर मैं शाम की स्टूडेंट वर्कशॉप में भी, क्योंकि दिन में तो बिल्कुल ही, जैसे मैंने बताया कि 4 घंटा 5 घंटे की तो मैं क्लास ही ले रहा हूँ 8 घंटों में से, तो शाम की स्टूडेंट वर्कशॉप में अपनी भागीदारी का मैं प्रयास मेरा जारी रहता है, ताकि मैं भी वॉलंटियरिंग करूं तो उसमें सीखने का तो बहुत है ही स्कोप। तो बस मेरी तरफ से इतना ही, और सभी को धन्यवाद।
और सभी के लिए कृतज्ञता का भाव। धन्यवाद भैया, धन्यवाद सभी। जी धन्यवाद सपन भैया। सपन भैया बहुत ही शानदार और क्या बोलते हैं दिल से की हुई प्रस्तुति लगी। भैया आप इतना प्रयास कर रहे, सबसे एक छोटी सी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आपने कुछ लास्ट एंड तक जाने का वो कब का था, मतलब नियर अबाउट ये यूएचयू में आने के पहले या बहुत पहले की बात थी, जब आप क्या सेल्फ बात और कर रहे बॉडी को हैं? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? सेल्फ और बॉडी को समझने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, आपने बताया कि कभी कभी मुझे ऐसा लगा था कि जीना बेकार है, ये वर्ड आपने यूज किया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा प्रतिक्रिया, एक मिनट बस, थैंक हाँ बस यू। भैया वो मैं बता रहा हूँ ना कि वो प्रतिक्रिया इतनी हो जाती थी, ये प्रतिक्रिया ही थी। मतलब लगता था कि सब व्यर्थ है, बीवी समझ नहीं पा रही है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, मैं इनको बता नहीं पा रहा हूँ, कॉलेज में भी विरोध है। मतलब मैंने जब ये देखा कि विरोध, मतलब स्वयं का तो पता ही नहीं था ना, शरीर मान के चल रहे थे, तो जब भी कोई बाहर से अनुकूल अपने मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन आना, फिर बीवी, फिर ऊंचा चला देना, और कई बार तो गाड़ी में बैठे हैं, छोटी सी बात बच्चों हुई है, इतनी को मारा प्रतिक्रिया। भी है आपने, आपने यस यस, ये हुआ है। बताया। 2-3 साल पहले तक मैं गोपाल बाबू के साथ मैंने फैमिली वर्कशॉप की, तो उसमें मैंने वहां भी शेयर किया, तो उन्होंने बहुत मेरा सहयोग किया, तो जी वो जी प्रतिक्रिया चलो तो वो मैं देख पाता था कि भाई बस वो प्रतिक्रिया ही थी। तो अब उस हाँ, प्रतिक्रिया से बाहर, प्रतिक्रिया की बजाय अब हम उसको जब रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं तो अपने आप ही स्थिति बदलती चली जा रही है, तो बढ़िया। मैं तो इसमें कुछ ये नहीं कर यूएचई पाया। के स्टेप्स है ना भैया, आप जो भी चेंजेस देख रहे हैं ये 3 साल में, बिल्कुल दिस आर ऑल ड्यू टू बिल्कुल यूएचई स्टेप्स एक्सरसाइज वन बिल्कुल एंड टू। बिल्कुल, यही जी है, भैया यही जी जी यही जी है, नमस्ते। हाँ यही बढ़िया बढ़िया भैया, धन्यवाद कीप इट अप, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते सभी को। तो स्वपन भैया के बारे में कहूंगा, बहुत ही कंसिस्टेंटली भैया सुबह का सत्र अटेंड करते रहे हैं, और जैसा उन्होंने शेयर किया उनमें काफी परिवर्तन हुए हैं, उनके व्यवहार में, उनके भाव विचार में और जीने में भी उन्होंने कई सारे मुद्दों पर ध्यान दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब भैया को थोड़ा फैलकर और भागीदारी करने की जरूरत है। वस्तु से परिचय उनका बहुत अच्छे से हो गया है, और जो भी रीजनल कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, मीटिंग्स हुई हैं, भैया का आना हुआ है, तो यहाँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि भैया की निष्ठा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें अगर भागीदारी को और फैलकर किया जाए, और अभी जिस तरह का अवसर बनता जा रहा है, उसमें जिस तरह की आवश्यकता भी बनती जा रही है, नई जिम्मेदारियां भी आ रही हैं, तो भैया के विकास के लिए काफी उपयोगी रहेगा और इससे कार्यक्रम को भी गति मिलेगी। तो स्वपन भैया के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। भैया अगर अपनी तरफ से कुछ और रखें, भैया को अगर लगता है कि कोई बिंदु की और स्पष्टता चाहिए तो उस पर बात हो सकती है। धन्यवाद भैया। जी भैया, बस मैं, मुझे ये एहसास है कि इसको और फैलाने की ज़रूरत है, तो अभी तो क्योंकि परिवार में मतलब काफ़ी हमारा, जैसे मैंने बताया कि भाई उसमें सारा प्रयास जारी है, और कॉलेज भी एक बहुत बड़ा परिवार है, 4,000 हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ भी काफ़ी भागीदारी और उसमें होता है, तो शरीर की भी एक सीमा है। मैं देख पाता हूँ कि मैं अस्पतालों में भी अब जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी रहे, मदर इन लॉ भी मैं देख रहा हूँ, तो ये तो समझ में आता है कि मेरी शारीरिक यात्रा में जितना हम कर पाए उतना ही कम है। जिस हिसाब से मैं पंजाब में तो देख पाता हूँ कि भाई जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी संबंध, बिल्कुल, क्योंकि मटेरियल ऊपर बन गया है, सबसे ऊपर बन गया है मटेरियल, तो उनके लिए कुछ प्रयास कर पाऊँ तो। पर आप ठीक कह रहे हैं कि जितना और भागीदारी स्टूडेंट वर्कशॉप से आगे हो सके तो उसमें तो और गति तेज ही होगी, और फिर अपना शरीर और अपने स्वयं को और मैं बढ़िया उसका प्रयोग कर पाऊंगा जितना भी है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है भैया आपकी, तो इसमें प्रयास जारी रहेगा, आपके आपके सहयोग की भी और गाइडेंस की मैं लेता रहूंगा भैया, ये तो जरूरी है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। बढ़िया भैया।